रीवा के रायपुर कर्चिलियन में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में बैठे चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक भी ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घटना रायपुर कर्चिलियन थाने के भाटी गांव की बताई जा रही है, जहां कार में सवार होकर चार लोग रीवा से मनगवा जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क के किनारे जा गिरी। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। घटना ये हुई, ये गाड़ी रीवा की तरफ से आ रही थी, डाला इलाहाबाद की तरफ से आ रहा था, डाला काफी स्पीड में था, इसने ठोकर मारा है, ये भड़ाम से नीचे चली गया है खाई में, और इसके बाद हल्ला गुहार लगाए हो गया, हल्ला गुहार में इसके आदमी इकट्ठा भाई थे, फिर नहीं निकली, फिर गाड़ी ट्रेन के माध्यम से निकाली गई। कितने लोग थे कार में? चार आदमी थे। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, तो एक बच्ची थी, महिला थी और एक दो पुरुष थे।